वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर चैप्टर नंबर 2, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन मतलब खुद को अडेप्ट कर लेना, मतलब खुद को किसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढाल लेना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो ये प्लांट में एडजस्टमेंट कैसे होती है विद द सराउंडिंग, तो हम वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हैबिटेट के बारे में। सो लेट्स फाइंड आउट हैबिटेट एंड इट्स टाइप्स। तो हैबिटेट क्या होती है? जैसे आप सबको पता है कि हमारी सबकी कोई ना कोई हैबिट होती है विच स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। तो सबके पास अपना अपना घर है, सबके पास अपना अपना घर है, और सबको पता है कि मेरे पास मेरे घर में ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो हम सब अपना घर ऐसा चुनते हैं कि हमें उस जगह पे सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो इजीली मिल सकें। तो ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं, तो प्लांट्स को भी वो जगह अपने ग्रो करने के लिए चाहिए जहाँ पे उसको सारी चीज़ें जो एक प्लांट को चाहिए वो उसको मिल सके। और जो चीज़ें प्लांट को चाहिए वो आपको पता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर और सराउंडिंग। तो ये होता है किसी भी प्लांट का हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। एंड अडेप्टेशन क्या है? नाउ व्हेन द हैबिटेट चेंजेस, किसी भी प्लांट का अगर हम उसका नेचुरल हैबिटेट को चेंज कर दें और वो प्लांट दूसरी जगह पे जाके भी अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से अपनी सिटी से जहाँ पे आप रहते हो यहाँ से कहीं दूर घूमने चले गए, लाइक शिमला वगैरह ठंड में घूमने चले गए, तो वहाँ पे आपको कुछ दिन तो लगा कि हाँ यहाँ पे ठंड बहुत है। फिर आपने क्या किया, वहाँ के अकॉर्डिंग अपने कपड़े चेंज करने शुरू कर दिए, वार्म क्लोथिस पहनने शुरू कर दिए, तो आप वहाँ पे एक तरह से अडेप्टेड हो गए। और अब आप जब शिमला वगैरह से जहाँ पे आप गए हुए हो वहाँ से अपने घर पे वापस आओगे तो आपको यहाँ पे आके गर्मी लगेगी। और क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी भी एडजस्टेबल होती है, ये भी डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। दिस इज़ नोन एज अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी भी है, इसी से कई प्लांट्स ग्रो करते हैं, और प्लांट्स अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं तो वो ग्रो इजीली करेंगी। तो टू मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट ग्रुप आर, तो हैबिटेट जनरली दो टाइप के मेजरली फाइंड होते हैं। कौन से? या तो प्लांट्स लैंड पे होंगे या प्लांट्स वाटर में होंगे। और जो प्लांट्स लैंड पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। और जो वाटर में होते हैं उसको एक्वाटिक प्लांट्स। और जो हैबिटेट लैंड पे होगा उनका उसको बोलेंगे टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, और जो पानी में होगा उसको बोलेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। अब उसके बाद टेरिस्ट्रियल प्लांट्स क्या हैं? टेरिस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मल प्लेन्स पे लैंड पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। तो इनका कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट टेरिस्ट्रियल हैं? उनके फीचर क्या होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में, क्या अलग होता है फ्रॉम द अनदर प्लांट्स? तो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे पहले आ गए हमारे पास प्लांट्स इन द प्लेन, कि नॉर्मल प्लेन सरफेस पे प्लांट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेन्स में प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनके लीव्स फ्लैट होते हैं ताकि वेपोरेशन ईजिली हो सके और प्लांट ईजिली स्वेटिंग करके ग्रो कर सके, मतलब इवेपोरेशन ईजिली हो सके और ट्रांसपीरेशन हो, मतलब प्लांट्स ईजिली वाटर को ट्रांसपीरेशन में हेल्प कर सकें। तो इस तरह से प्लांट अपने आप को कूल रखेंगे
जब वाटर इवेपोरेट होता है तो प्लांट्स कूल होते हैं। और इसका एक रीज़न और भी है कि उनके लीव्स फ्लैट होते हैं ताकि वो अलॉट ऑफ सनलाइट को ट्रैप कर सकें। जितने ज़्यादा अमाउंट में लीव्स होंगे उतने ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट ट्रैप होगी थ्रू स्टोमेटा। तो अब आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जितने ज़्यादा लीव होंगे उतनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी ज़्यादा होगा और प्लांट अपना फूड भी ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे, जिससे हमें कि फ्रूट वगैरह ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है डेसीडुअस ट्री। तो ये कौन से ट्रीज़ होते हैं? जो ट्रीज़ विंटर सीजन में आके अपने लीव्स को शेड आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डेसीडुअस ट्रीज। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो ठंड में जाके पत्ते शेड आउट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल, नीम, बनियान एंड शीशम ट्रीज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में प्लांट कैसे होते हैं ये भी एक उसी टॉपिक में है। तो डेजर्ट जनरली हॉट एरियाज में होते हैं जिसमें कि वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो आपको भी पता है कि डेजर्ट में पानी मिलना मुश्किल होता है और लिटल अमाउंट में होता है जहाँ भी होता है। तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर लेस अमाउंट में चाहिए होता है, या फिर वो अपने आप को ऐसे बना लेते हैं कि जब उनको पानी मिले तब वो उसको स्टोर कर लें और जब उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं। तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट्स इन डेजर्ट्स। तो जनरली इनमें डेजर्ट मैरीगोल्ड, कैक्टस, डेजर्ट लिली और एलिफेंट ट्री ये आते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्लांट्स इन मार्शी एरिया। तो मार्शी एरिया में प्लांट्स कैसे होंगे? तो जो प्लांट्स मार्शी एरिया में होते हैं वहाँ पे उनको मैंग्रोव बोलते हैं, और ये यहाँ पे जनरली जो सॉइल होती है वो वेट होती है, क्लेई होती है और स्टिकी मतलब चिपचिपी सी होती है, गीली। और जो इनके मैंग्रोव्स प्लांट के लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं, वो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करती हैं ताकि वो इजीली ज़्यादा अमाउंट में एयर ले सकें। तो इनकी जो रूट्स होती हैं उनको ब्रीथिंग रूट्स भी बोलते हैं। इनकी एग्जांपल है रेड मैंग्रोव्स, बटनवुड एंड सेरियोप्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।